आर्टिकल 31B को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। आखिर आर्टिकल 31B है क्या, इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं अनुज सक्सेना साहब, इसके साथ ही ये याचिकाकर्ता के वकील भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये जो अनुच्छेद 31B है आखिर है क्या? ये आर्टिकल 31B जो है ये संविधान फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में डाला गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। ये आर्टिकल बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई भी एक्ट है जो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, आप उसे उठा के शेड्यूल 9 है एक संविधान का उसके अंडर डाल दीजिए, और उसके बाद आप आर्टिकल 32 जो आपको एम्पावर करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो 31B आपको बाध्य करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच ही नहीं कर सकते। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे एक कोई एक्ट आया जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, और आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होंगे तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। 31B बोलता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हुए लेकिन अगर वो एक्ट शेड्यूल 9 में डाल दिया गया तो आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते। तो ये जस्टिस रोहिंटन नरीमान की लैंग्वेज में बोलूँगा, इट्स अ ड्रैकोनियन प्रोविजन, राक्षसी प्रावधान है। ऐसा प्रावधान पूरे भारत में तो क्या पूरे विश्व में कहीं एग्जिस्ट नहीं। अभी आपने जो याचिका दाखिल की है इसी एक्ट को लेकर, वो याचिका है ये याचिका, जैसे मेरे पास किसान पुत्र आंदोलन से जुड़े हुए महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तेलंगाना से सारे किसान मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने बोला ऐसा प्रावधान है, मैंने कहा ये तो बहुत ही गलत है। तो हमने जो इसमें मांग करी है, हमने ये बोला है कि इस पे पहले जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, आई और कोहलो, केशवानंद भारती, 31B है क्या, लेकिन उस किसी भी जजमेंट में फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अगर कोई एक्ट शेड्यूल 9 के अंदर आता है, इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। या 31B जो है जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, क्या कोर्ट इसे जुडिशियल रिव्यू के अंदर इसकी स्क्रूटनी कर सकती है, ऐसी भी कोई जजमेंट में खुलासा नहीं। और जुडिशियल रिव्यू जो केशवानंद भारती जो 13 जजेस बेंच की जो जजमेंट थी उसमें बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वहीं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हनन करता है 31B। तो जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट अमेंड ही नहीं कर सकती तो 31B कहाँ से आ गया? तो ऐसे ही बहुत सारी हमने प्रश्न उठाए हैं इस याचिका में, और ये याचिका आज हमने फाइल करी है। और मकरंद गोजार जी जो इनके किसान पुत्र आंदोलन के जो जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरे पास आके ये प्रे करी थी और हमने आज फाइल करी है। अब देखते हैं जजेस पे क्या संज्ञान लेते हैं। ये थे अनुज याचिकाकर्ता के वकील जो हमसे बात कर रहे थे। 31B को लेकर जो चल रहा था उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी उसकी याचिका आज उन्होंने दाखिल की। अब देखते हैं इस याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट का अपना क्या फैसला होता है। कैमरा पर्सन यासर अब्दुल्ला के साथ सुरेश झा, चैनल 1, दिल्ली।